बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है, इतना बड़ा शो मिला, इतने इंटेंस कैरेक्टर है। तो मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी सर कि आप ये शो किस तरह से ऑफर हुआ क्यों, और किस तरह से यू नो जब हामी हुई कि आप ये कैरेक्टर करेंगे, तो वो प्रोसेस अगर छोटे में बता पाए तो क्या था वो प्रोसेस? क्रिएटिव लोग जानते थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछा आपकी डेट्स अवेलेबल है, आप ऐसा शो करना चाहते हैं ना, तो सब बातें हुई, उन्होंने बताया ऐसा है वैसा जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे ऑफर, आई सेड यस, द बॉल स्टार्टेड रोलिंग। ओके एंड मैम व्हाट अबाउट यू? नॉर्मल प्रोसीजर था, कास्टिंग हुई थी, ऑडिशन हुई, नरेशन मिला, तो व्हाट वाज द रिएक्शन में जब आपको पता चला यू आर फाइनलाइज्ड फॉर दिस कैरेक्टर? बिकॉज बीच में 3-4 साल मैंने हिंदी प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे, तो एक कोई भी लैंग्वेज का एक डेली शो चल रहा हो तो आप दूसरा डेली शो भी पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, उसके साथ साथ मैं थिएटर भी कर रही हूँ जी। तो 4-5 साल के बाद हिंदी शो करना थिएटर में करना ही था, अभी साल में कुछ ना कुछ अच्छा, और इतना स्ट्रॉन्ग शो मिला, इजीली हो गया सब कुछ मैनेज। मतलब कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है जिसके लिए कुछ कष्ट लेने नहीं पड़ते जी, इस तरह के लिए हो गया और शुरू हो गया, और कैरेक्टर भी अच्छा था। And what was your reactions of when you were said that you know you are doing this role and you find, and then maybe the first time when you wore this costume, you know, what was the your reaction? I was very happy. I am always very happy whenever I am offered the role of a warrior. I come from Delhi, but I am from a Punjabi background. Okay. My ancestors came from Punjab, from Pakistan. Okay. तो हम लड़ाके वैसे पार्टीशन सिर्फ वही हो बात की, मतलब हम लोग थोड़ा सा ब्लड में रहता है वैसा जी। तो मुझे वैसा, और आई एम ट्रेन माई सेल्फ टू बी अ वॉरियर काइंड ऑफ एन एक्टर, ऐसे एक्शन ओरिएंटेड, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है कि कई एक्टर डांस बड़ा अच्छा करते हैं जी, लेकिन मुझे एक्शन, मुझे लगा मैं भाई ऋतिक रोशन की लाइफ में 2 बार जन्म लूँगा तो भी नहीं बन पाऊँ, तो एक्शन इज समथिंग विच इज़ फोर्टे माई, तो वो मैंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और वैसे ही रोज मुझे मिलते थे वो कर। ओके आपसे पूछना चाहूँगी रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर व्हेन यू पुट इट ऑन स्क्रीन? सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये है कि लोगों को बिलीव कराना कि मैं हूँ बालाजी विश्वनाथ, मैं पेशवा हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि जब आप कोई और शो करते हो, क्योंकि ये एक नया शो, नए शो के साथ नए ऑडियंस बनेंगे, लेकिन वो सारे ऑडियंस भी आएंगे जो मेरे को कई सालों से लगातार देख रहे हैं और शो से, मैं एक ही रोल 9 बार कर चुका हूँ। अब आप सोचिए कि आप एक कैरेक्टर को इतनी बार कर चुके होते कि लोग कोई भी रोल आप करते हो कहते हैं यार हमें तो तुम्हें वही दिखा, हमें तो तुम्हें वही दिखा, तो लोगों को उस मोल्ड से निकाल कर एक नए मोल्ड में दिखाना, ये आपकी सबसे, एक तो पहरावा अलग है, वहाँ बाल लंबे हैं, यहाँ पर क्या गंजा हो, यहाँ पे पूछे हैं, तो थोड़ा तो अलग है, कपड़े अलग तरह, वो सब चीज़ें हैं, बट एक्टिंग, बोलने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, वहाँ पे मैं मैरिड वहाँ भी हूँ, पार्वती है मेरी वाइफ, लेकिन मैं जैसे पार्वती के, और मैं पार्वती से भी फ्लर्ट करता हूँ, वाइफ है तो क्या फ्लर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैं राधा भाई से बात करता हूँ, मैंने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा कि मैं पार्वती से जैसे भी बात करता हूँ, मैं राधा भाई के साथ मैं वैसे बात नहीं करूँगा, वो अलग रखूँगा, ये अलग रखूँगा, ये मेरी छोटी छोटी अपनी खुद की तैयारियाँ थी इस रोल की। ओके मैम आपका सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है इस कैरेक्टर का? जैसे इन्होंने कहा कि ऑडियंस को ये बिलीव कराना कि आप वही कैरेक्टर हैं, ये कुछ और राधा भाई का कैरेक्टर, वो एक माँ है, एक वॉरियर की माँ है, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इमोशनल भी है, उसे अपने पति के प्रति जो कर्तव्य हैं वो भी निभाने हैं, तो इस सारे लेवल पे 100% देना जी जी। अच्छा आपके शो के बाजीर और काशी भाई काफ़ी छोटे हैं, तो यू नो एक ऑफकोर्स यू पीपल आर वेरी सीनियर, तो उनको गाइडेंस देना या जब उनके साथ सीन्स होते हैं तो किस तरह का ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग है आपका? गाइडेंस देने का टाइम नहीं आता क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब जो है सर वो बहुत ही इन रहते हैं, और ये बच्चे भी बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उनके साथ काम करने का मज़ा अलग है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है,
ओके लास्टली पूछना चाहूँगी कि ऑफकोर्स दिस शो इज़ अबाउट बाजीराव एंड काशी बट वी हैव ऑल्सो सीन बाजीराव मस्तानी जहाँ पे बाजीराव मस्तानी के बीच में काफ़ी था बट थोड़ा बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन होगा दे वुड वॉन्ट टू सी समथिंग इन दिस शो ऑफ दैट फिल्म सो एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू से ऑन दोज लाइन्स सो आई मीन दिस शो इज अबाउट बाजीराव एंड काशी बाई बट देर वॉज अ फिल्म विच वॉज बाजीराव एंड मस्तानी ऑफकोर्स इट वॉज अ लव स्टोरी ऑफ बाजीराव एंड मस्तानी बट लोग फिर भी थोड़ा ग्लिम्स देखना चाहेंगे एंड यू नो जब देखेंगे आपके शो को तो सोचेंगे उस फिल्म के बारे में तो उस लाइन पे इफ यू वॉन्ट टू से एनीथिंग नो इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी बट यू नो मस्तानी भाई इस शो का भी हिस्सा रहे काशी भाई की लाइफ में वो चैलेंज भी आएगा बहुत बड़ा चैलेंज है एक वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ घर में आई है हाउ काशी भाई हैंडल्स दैट सिचुएशन दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ वो रहेगा इसके अंदर वो अभी आपको बता के लोगों का सस्पेंस ओके एंड लास्टली एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू से टू योर फैंस बिकॉज यू नो ऑफकोर्स इट्स अ कॉस्ट्यूम ड्रामा आप अलग रह रहे हैं आई बिलीव अपनी फैमिली से बिकॉज सेट यहाँ पे है कितना डिफिकल्ट होता है शूट करना एंड यू नो हाउ डू पीपल मैनेज दिस थिंग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना डिफिकल्टीज तो वैसे भी होती है जी लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन मिले आपका पैशन हाँ. तो पैशन है और यहाँ सब अच्छा ही है टीम अच्छी है काम करने का मज़ा है तो भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है कि फ्लोर ऐसी नहीं है प्रैक्टिकल को नहीं हो सकता क्योंकि ओपन सेट है और हेवी ज्वेलरी है हेवी कॉस्ट्यूम्स है तो पार्ट पार्सल ऑफ दिस शो वैसे तो कुछ उसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते अभी यूज टू हो रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं आएंगे लेकिन यहाँ काम करने का मज़ा है और मतलब टाइम टू टाइम काम होता है 9 की शिफ्ट को 9 से 9 बजे बैकअप हो जाता है तो ख्याल भी रखते हैं हमारा भी अच्छी तरह से काम करते हैं मज़ा आता है फैमिली से दूर रहना फिर अच्छा भी होता है आपके लिए टाइम तो प्लस पॉइंट ढूंढने जाओ इसमें से एंड लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस यू नो जब यू शो देखे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं शो से एनीथिंग विच यू वांट टू से मुझे लगता है कि आप ये शो जरूर देखिएगा क्योंकि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा हर एक ने अपने अपने मतलब जैसे डीओपी हो डायरेक्टर हो क्रिएटिव टीम हो हर एक ने 100% काम किया है और वो शो में रिफ्लेक्ट किया है तो आपको मजा भी आएगा इसका लुक अलग है देखते रहो हमारी मेहनत है आपको सो एनीथिंग विच यू वांट टू ऐड मैं यही कहूँगा भाई आप सब लोग इस शो को देखिए सराहिए सारी कास्ट ने सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैंने भी